कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने कांग्रेस को पारिवारिक संपत्ति करार दिया है। कार्ति चिदम्बरम जेनरेशन 67 के संस्थापक हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ शासन की 50वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कार्ति ने कहा, कांग्रेस सहित ज्यादातर प्रादेशिक और राष्ट्रीय पार्टियां निजी पारिवारिक संपत्ति बन चुकी हैं और लगता नहीं है कि अब उनमें कोई सुधार होगा। ऐसे में अगर कोई नया व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है तो वो मौजूदा व्यवस्था में फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए उसे पार्टी प्रमुख या दूसरे नेताओं की चापलूसी करनी पड़ेगी। अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कार्ति ने कहा, क्या किसी राजनीतिक दल ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई या किसी IIT के टॉपर को चुनाव लड़ने का न्योता दिया है? चाहे वो कांग्रेसी हो, BJP हो, DMK हो या AIADMK, सभी पार्टियां परिवार द्वारा संचालित की जा रही हैं और किसी बाहरी के लिए यहां कोई गुंजाइश नहीं है। अपने संगठन जेनरेशन 67 के बारे में बोलते हुए कार्ति ने कहा कि ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। हालांकि कार्ति ने इसके राजनीतिक उद्देश्य होने से इनकार भी नहीं किया। कार्ति ने कहा, जब डोनाल्ड ट्रंप कम वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो फिर तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा हो सकता है। क्या किसी ने सोचा था कि जयललिता का निधन हो जाएगा, पनीर सेल्वम को पार्टी से निकाल दिया जाएगा और शशिकला जेल में होंगी? भविष्य में कुछ भी हो सकता है और अभी मैं नहीं कह सकता कि G67 का क्या होगा। चिदम्बरम के बेटे के जवाबों से स्पष्ट है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बच्चे भी कांग्रेस के समर्थन में नहीं है और उसका कारण है कांग्रेस का परिवारवाद। लेकिन कांग्रेस परिवारवाद से बाहर निकल पाएगी, फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। NMF न्यूज की रिपोर्ट।